क्रिएटिव इंडिया, आज हम सीखेंगे पास्ता विद व्हाइट स्क्वाश कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक पैन में पानी लेकर उसे गर्म करेंगे। उसके बाद हम उसमें पास्ता ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक हम देखेंगे पास्ता बनाने के लिए और कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है। तो गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, ऑल पर्पस फ्लोर, दूध और ऑयल। तो ये हमारा पास्ता जो है वो पक चुका है। इसके पानी को हम ड्रेन कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम कोल्ड वाटर मिक्स कर देंगे। तो हम कढ़ाई में ऑयल डाल के उसे हम गरम करेंगे। उसके बाद जो सब्जी है उसे हम फ्राई कर लेंगे और ये मीडियम फ्लेम में हम फ्राई करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे ताकि अच्छे से सब्जी पक जाए। तो चलिए सब्जी जो है वो पक चुकी है, उसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ऑयल में फ्लोर को ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि कोई भी लंप ना रह जाए। तो चलिए ये एक थिक बैटर बन चुका है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए पास्ता को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें फ्राई किए हुए सब्जी को भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक ये पक ना जाए तब तक इसे हम ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। तो लीजिए बनके तैयार हो गई हमारी पास्ता। नाउ यू कैन एंजॉय इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।